हेलो दुरंद्रो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज मैं प्रॉपर तरीके से पिछले 4 से 5 दिनों की पूरी करंट अफेयर को कवर करूंगा, ठीक है। अगर आज नहीं होती तो कल प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से करवा दूंगा, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है। 12, 13, 14, 15 इन सभी की करंट अफेयर को प्रॉपर तरीके से आज की क्लास में निपटाने की कोशिश करूंगा। आज नहीं तो कल भी पूरी समाप्त कर दूंगा, कल की भी करा दूंगा और इनकी इनको भी करा दूंगा प्रॉपर तरीके से। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन होंगे आपके सामने, ठीक है, आज और कल में। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, SSC से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, NDA से रिलेटेड, स्टेट पीछे तक की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरी डेली करंट का तहलका प्रातः 6 बजे आप मेरी करंट अफेयर को देख सकते हो धुरंधरो, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवसों को मैं बताता हूँ। 1 अगस्त को आपके वर्ल्ड लैंग्वेज डे होता है, और 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस, 3 अगस्त को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस और हिरोशिमा दिवस, 6 अगस्त को, 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो करंट अफेयर में। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस, 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होता है, और 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, और आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 को। तो 75 वर्षगांठ मना रहा है मेरा अपना भारत हिंदुस्तान, हमारा इंडिया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा लिखा है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल की तरह, प्रॉपर तरीके से आपके सामने है, ठीक है। इसमें उत्सव जो होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी संबोधन करते हैं, ठीक है। झंडे को फहराना, परेड, देशभक्ति के राष्ट्रगान सभी चलते हैं प्रॉपर तरीके से। आपको मैंने पहले भी कोशिश की है, 4 अगस्त को मैंने बताया है, 4 अगस्त की करंट अफेयर में, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। ब्रिटेन जो शासन चल रहा था उससे इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा भारत, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और मैंने प्रॉपर तरीके से आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। विभाजन के समय, ठीक है, ये संख्या तकरीबन 1.45 करोड़ थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान और भारत छोड़कर पाकिस्तान गए 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। ये सभी चीजें आंकड़े प्रॉपर तरीके से मैंने आपको दे रखी हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आज ये करंट अफेयर ज्यादा देरी न करते हुए। काकोरी ट्रेन पिछले 12, 13, 14, 15 तक की मैं करंट अफेयर के GK को क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट थे उन सभी को लेकर आया हूँ आपके सामने। तो काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाने के लिए किस राज्य के CM ने रेडियो जैगोस लॉन्च करेंगे। जल्दी जल्दी से, ये नहीं है कि मैं आपको शॉर्टकट पढ़ा दूं, प्रॉपर तरीके से उसके बारे में हर चीज को मैं आपको बताऊंगा। तो काकोरी ट्रेन एक्शन आपको पता होगी, और ये किस राज्य के CM ने लॉन्च किया रेडियो जैगोस। तो राजनाथ, राजनाथ तो क्या है आपको पता है, होम मिनिस्टर हैं या फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर आपके किसी सदन के नेता हैं, ये बताओ इन कमेंट में। योगी आदित्यनाथ इज द राइट आंसर हो जाता है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। इसको वर्षगांठ मनाने के लिए यूपी या उत्तर प्रदेश के राज्य CM श्री चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रेडियो जैगोस को लॉन्च किया। कि यू पहले इसके बारे में पढ़ लेते कि उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग ने उत्तर प्रदेश की लोक कला, प्रदर्शन कला और क्षेत्रीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रेडियो रेडियो जैगोस लॉन्च किया। रेडियो जैगोस 107.8 MHz पर उपलब्ध होगा और सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कार्यक्रम होंगे। इसमें लोकचार रीति रिवाज यूपी के, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मूल्य को जोड़ने की मदद करेगा। इसमें एक दैनिक रेडियो शो होगा, पराक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रॉपर तरीके से सभी चीज मैंने डिटेल में लिख रखी है, और 75 जिलों की लोक कथाओं को बढ़ावा देगा यह रेडियो जयघोष, ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। इसमें रंगशाला, सरकारी योजना, राज्यसभा रफ्तार और प्रदर्शन कलाओं में रंग यात्रा जैसे कई अन्य प्रसारित किए जाएंगे। सभी चीजें प्रॉपर तरीके से मैंने लिखी हुई हैं। थोड़ा सा और मैं बता दूं कि काकोरी ट्रेन एक्शन क्या है, इसको कौन नहीं जानता। काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के अंदर काकोरी गांव में आयोजित एक ट्रेन की डकैती पड़ी थी। इस डकैती के को डकैत डालने वाले वो कौन थे, वो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य सदस्यों को अंजाम दिया था, ये इनकी पार्टी का नाम था, ठीक है। और फिर कुछ समय बाद इनको पकड़ा गया और तुरंत ही फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन आपको पता होना चाहिए, 9 अगस्त 1925 को हुआ था लखनऊ के पास काकोरी गांव में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डकैती डाली थी और इसकी वर्षगांठ बनाई थी किसने, CM योगी आदित्यनाथ श्री जी, श्री आदित्यनाथ योगी, जो कि यूपी या उत्तर प्रदेश के CM हैं, और उन्होंने ही रेडियो
जेगोस लॉन्च किया था। आपके सामने जो भी है आपके सामने है, प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया, इंग्लिश में बच्चा कोई भी यहाँ से पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 दिवसीय झारखंड जनजाति महोत्सव 2022 किस शहर में हुआ? जम्मू, पंजाब, रांची, केरल। तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाती है? रांची। ठीक है, तो रांची शहर में यह आयोजन, जनजाति महोत्सव आयोजन शुरू हुआ। शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झारखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया। आपसे पूछ सकता है कि जो जनजाति महोत्सव, झारखंड जनजाति महोत्सव किस शहर में, पूछ सकता है। झारखंड जनजाति महोत्सव 9-10 2 दिन चलने वाला ये उत्सव था। ठीक है, रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ था और इसमें जनजाति कला, संस्कृति, परंपरा, वो भी प्रॉपर तक जो पुरानी संस्कृति है उसको जोड़ा गया है और कार्यक्रम इस कार्यक्रम में आयोजित किए गए। ठीक है, और झारखंड जनजाति महोत्सव में सेमिनार, पैनल, चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें 32 जनजाति निवास करते हैं, इनमें से मुंडा है, संथाल है, उरवा, खरिया, गोंड, कोल, कंवर, बैगा, हो, होड, लोहरा, महत, कोरवा, परिया, भूमिजा। ये सभी आपको याद कर लेनी चाहिए, 32 जनजातियों की मोस्ट इंपोर्टेंट, इनमें से गोंड है, खरिया है, मुंडा है, संथाल है, सभी इंपोर्टेंट है जनजातियों के नाम। प्रॉपर तरीके से जिस बच्चे को इंग्लिश में लेना है वो मैं इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट कर रखे, आपके सामने प्रस्तुत कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतरिक्ष में योग करने के लिए एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है? ठीक है, किसने, ये इंपोर्टेंट है, एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित करने वाला, इनमें से DRDO, एम्स, EMS है, एम्स है, इसरो। तो आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, ये योगा करता हुआ दिख रहा है स्पेस में अंतरिक्ष के अंतर्गत, तो ये एम्स ने, ठीक है, इसको विकसित किया है बॉडी सूट को। ठीक है, आइए इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ अपने भाइयों को। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक आयु विज्ञान संस्थान के फिजियोलॉजी विभाग ने एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष योग करने की अनुमति देगा। स्क्वाट और स्टेपिंग करने के लिए सूट का राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जलंधर द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। यह अंतरिक्ष यात्रियों को गुरुत्वाकर्षण विरोधी मशालता, जो मशालता होती है, को मौजूद करना, माइक्रोग्रेविटी वातावरण में एंट्रोफी को रोकने में मदद करेगा। ठीक है, कुल मिला के बहुत ही बढ़िया काम किया है, एक अच्छी सोच के साथ ये सूट को विकसित किया है फिजियोलॉजी, किसने, एम्स को ने। ठीक है, इसमें अंतरिक्ष के अंतर यात्री जो 70% में वृद्धि होगी उसकी वजन में। ठीक है, उसमें तैरने से रोका जाएगा इस सूट की मदद से, और भविष्य में इस सूट का उपयोग अंतरिक्ष पर्यटनों के लिए भी किया जाएगा। ये सभी चीजें आपके सामने है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने, किसने भारत का पहला आवासीय अंतरिक्ष संग्रहालय पार्क लॉन्च किया है? DRDO ने, नासा ने, इसरो ने, या CNS ने? तो आपको दिख रहा होगा ये स्पार्क जो है, स्पार्क ये इसरो ने किया है। ठीक है, आपको बताना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आजादी के जो 75 साल हो रहे हैं, अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसरो के अध्यक्ष S. स्वामीनाथ, इसके अध्यक्ष के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए, ने सार्वजनिक उपयोग के लिए स्पेस टेक पार्क, अंतरिक्ष तकनीकी पार्क का शुभारंभ किया है। इस टेक पार्क में एक संग्रहालय, थिएटर, वेदशाला, कैफेटेरिया या खेल अखाड़ा शामिल हुआ है। 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क दूसरों के विभिन्न मशीनों को संबंधित डिजिटल कंटेंट देगा। ठीक है, और टेक पार्क में एक थिएटर भी है। इसरो के अतीत, वर्तमान, भविष्य के मिशनों को संबंधित वीडियो एक क्यूरेटेड सूची में डाला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी बच्चे NDA से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, या फिर इन संस्थाओं DRDO, इसरो के पेपर से रिलेटेड जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आज की क्लास भी। स्पार्क जो इसमें इसरो की स्पेस ऑन व्हील्स पहल भी शामिल है, और जिसमें लॉन्च वाहनों, ठीक है, वाहनों और उपग्रहों को मॉडल में जाने वाली एक मोबाइल प्रदर्शनी होगी। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का मोस्ट इंपोर्टेंट है, जलवायु अध्ययन के बारे में क्या बताऊं कि आर्कटिक का पर्यावरण बाकी क्षेत्र की तुलना में लगभग कितने गुना तेजी से गर्म हो रहा है? आप देख सकते हो 40 साल पहले का और 40 साल बाद का प्रॉपर तरीके से पर्यावरण को, वातावरण को हमारे को। ठीक है, तो यह 2 गुना बढ़ा है, 7 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो 4 गुना इसमें तेजी से गर्म हो रहा है। ठीक है, आर्कटिक का पर्यावरण, ठीक है, इनके बारे में मैंने लिखा हुआ है, पिछले 40 वर्ष में आर्कटिक क्षेत्र शेष ग्रह की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हुआ। गर्म होने के बाद यह है 2019 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु विज्ञान पैनल के पिछले अनुमानों की तुलना बहुत तेज है, और इससे पहले यह अनुमान लगाया गया था कि आर्कटिक पर्वत या तीव्र वैश्विक औसत में
दोगुने से अधिक गर्म हो रहा है। वार्निक के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया के कारण आर्कटिक क्षेत्र फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाया कि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर तापमान वृद्धि की गति शेष ग्रह की तुलना में 4 गुना अधिक है। ठीक है, शोधकर्ताओं के अनुसार बेरेंट्स 7 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। यह रिकॉर्ड देख लो आप, पर्यावरण कितना बिगड़ रहा है आज के समय में, जो कि आर्कटिक के क्षेत्रों की बात हो रही है। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और उत्तरी अमेरिका में वायुमंडलीय परिसंचर को प्रभावित हो रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जागरूकता करने वाला क्वेश्चन है। यह अध्ययन कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट जर्नल ने प्रकाशित किया है और इसने 1979 और 2021 के बीच के सारे सर्कल को निकाला, उनके रुझानों को लगा, विश्लेषण किया प्रॉपर तरीके से इस पर। ठीक है, आर्कटिक एक भौगोलिक क्षेत्र है जो उत्तरी कूट के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राष्ट्रीय देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी सहित 3 नेता करेंगे? तो रूस, मैक्सिकन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो मैक्सिकन में मैक्सिकन राष्ट्रीय देश है वो जिसमें विश्व शांति के आयोग का प्रस्ताव रखा जा रहा है। ये आपके सामने प्रॉपर 3 नेता रहेंगे, बड़े से बड़े। इनके बारे में बता देता हूँ कि मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रोस मैन्युअल लोपेज ओब्रेडोर ने संयुक्त राष्ट्र को 5 साल के 3 विश्व नेताओं का एक आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया। आयोग में पोप फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनी गुटेरेस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। आयोग के उद्देश्य दुनिया भर में युद्धों को रोकना और कम से कम 5 साल के लिए एक समझौता प्रॉपर्टी से पहुंचाना है। मैक्सिको जो है कि राष्ट्रपति चीन, रूस, अमेरिका और शांति की तलाश, युद्ध जैसी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए आमंत्रित किया है। ओबेडोर के अनुसार प्रस्तावित संघर्ष विराम ताइवान, इसराइल और फिलिस्तीन के मामले के एक समझौते पर पहुंचने की मदद करेगा। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चा एनडीए से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए नेत्रा बीमा योजना की है? तो आंध्र प्रदेश ने, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। तो ये तेलंगाना ने शुरुआत की है, लॉन्च किया है, कुछ भी लगा लो आप इसके बारे में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को बनाया गया, मैंने पहले ही बताया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने नेत्रा बीमा योजना की शुरुआत की और बुनकरों की बधाई दी। ठीक है, नेत्राए, ठीक है, ये देश में बुनकरों के लिए अपनी तरह की अनूठी योजना है। इस बीमा योजना में लगभग 80,000 बुनकरों को परिवार लाभान्वित होंगे। थोड़ा सा मैंने गूगल किया है तो इसलिए थोड़ा सा हो गया है। यह योजना पात्र लाभार्थी के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले बुनकरों के परिवार में 5 लाख का बीमा कवर करेगी और यह हथकरघा जो है पावरलूम बुनकरों के परिवार में वित्तीय आवासन प्रदान करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने नेत्रा बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ भागीदारी किया और इस कार्यक्रम के लिए राज्य के हथकरघा और वस्त्र विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, सरकार LIC की लाभार्थियों की ओर से वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेगी। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनील 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 छेत्री और मनीष कल्याण को कौन सा फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर चुना गया है? AIFFF फुटबॉलर, IAFFF, NA फुटबॉलर। तो AIFFF ने इसको, इनको फुटबॉलर सुनील को और मनीषा कल्याण को, दोनों को ही AIFFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एशिया के सबसे नंबर वन सुनील छेत्री जी, इन्हें सबसे ज्यादा गोल मार रखे हैं। राष्ट्रीय कप्तान सुनील छेत्री को 2021-22 की सीजन के लिए 7वीं बार AIFFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। मनीषा कल्याण को 2021-22 सीजन के लिए महिला वर्ग में पहली बार फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया। इसको मत समझ लेने, वैसे मैंने फोटो लिया है, ठीक है, कभी इसको समझ लो। मनीषा मनीषा एक औरत है। उनके संबंधित राष्ट्रीय टीम के कोच इग्रो स्टेमेक और थॉमस टेनरथी क्षेत्र ने छेत्री और कल्याण को नामित किया। तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले सक्रिय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी छेत्री को 2007 में पहली बार इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसको यहां से क्वेश्चन हो सकता है, तीसरा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है। ठीक है, बाद में उन्होंने 2011, 13, 14, 17, 18, 19 में से जीता और 2020-21 के दौरान ये मनीषा ने महिला इमरजेंसी फुटबॉल ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। 2021-22 सीजन के AIFF पुरस्कार इस प्रकार थे, जैसे कि मैंने, सॉरी इसके लिए आई थिंक ये कट गया शायद। ठीक है, यहाँ इसको ठीक मैं कल करा दूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से विश्व अफेयर में करवा चुका हूँ आपको। जस्टिस उदय या यू यू मतलब कि मैंने लिखा भी है यू यू ललित,
को देश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, कौन से नंबर के हैं, 50वें, 47वें, 49वें, 48वें। तो प्रॉपर तरीका आपको मैंने विश्व अफेयर के अंदर या इंडियन जीके के अंदर मैंने ये टॉपिक करवाया हुआ, 49वें नंबर के यूयू ललित जी नेक्स्ट सीजीआई है और बन गए हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि अभी आदिवासी, जो कि कहाँ की, कहाँ से, उड़ीसा से ये बिलोंग करती है मेरे भाइयों, ठीक है, उड़ीसा इनका राज्य है, भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। वह वर्तमान सीजीआई न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होने के बाद 27 अगस्त को पदभार संभालेंगे। ये सभी को मैं प्रॉपर तरीके से बता चुका हूँ अपनी क्लास के अंतर्गत, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं पता उसकी इनके बारे में, तो मैं प्रॉपर तरीके से यूयू ललित के नाम से सीजीआई जस्टिस हैं ये, और 49वें, और बाई अमित सर जी के या अमित चौधरी लिखकर सर्च कर लेना यूट्यूब पर, आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। मैंने सभी चीजें उस पर बताई हुई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक आर्टिकल आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर सीजीआई से रिलेटेड आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर दिया है मैंने इसके बारे में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य के राज्यपाल ने मुंबई में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये जो 22वें भारत रंग महोत्सव, और किस राज्य के राज्यपाल, वहां के राज्यपाल कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में यह 5 दिवसीय नाटक महोत्सव, भारत के रंग महोत्सव का आयोजन 9 से 13 अगस्त तक मुंबई के रविंद्रनाथ नाट्य मंदिर में किया जा रहा है, ठीक है, किया गया था, क्योंकि आज 15 अगस्त है। आप सोचोगे कि क्या लिख रखा है, ठीक है। इस आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पीएल देश पांडे महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, किया गया। 22वें भारत रंग महोत्सव में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और बलिदान पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव का समापन भोपाल स्थित करवा थिएटर ग्रुप के हिंदी नाटक दे रंग दे बसंती चोला के साथ किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। 22वीं भारत रंग महोत्सव 2022 के हिस्से के रूप में 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई में 30 नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक चला था ये, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से मैं जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे, अपने भाइयों के लिए सभी चीजें इंपोर्टेंट है, एक बार मैं बता देता हूँ। भारत रंग महोत्सव है क्या? भारत रंग महोत्सव या राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव 1999 में शुरू हुआ था। यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया एक रंगमंच उत्सव है। भारतीय रंग महोत्सव भारत में रंगमंच के विकसित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में युवा संवाद इंडिया एट द रेट 2047 को संबोधित किया है? तो ये है आपका चंडीगढ़, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, भारत की राजधानी, ठीक है। आपसे पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जमीनी स्तर पर एक मंच प्रदान करने के लिए सरकार देश भर में 750 युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, कितने युवा होंगे इसमें सम्मिलित? युवा संवाद कार्यक्रम से युवाओं को एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करने देगा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 4E यानी शिक्षा, रोजगार, उद्यमित और सशक्तिकरण युवाओं को विकास के मुख्य स्तंभ होंगे इसके अंतर्गत। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं और युवा प्रतिनिधि सहित लगभग 400 युवाओं ने भाग लिया था। ये मैं आपको इस पर शायद एक टॉपिक इसको लेकर मैं एक क्लास कर दूंगा, जो प्रॉपर तरीके आपके समझ में आ जाएगी क्या चीज है, ठीक है। भारत सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में शुरू की गई थी। यह युवा और किशोरों के सर्वांगीण सुधार पर जोर देती है, जो ये स्कीम चलाई गई है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये जो इंडिया एट द रेट 2047 को संबोधित करेगी, ये नई दिल्ली के अंतर्गत शुरू की। अनुराग ठाकुर कौन है? खेल मंत्री है, ठीक है। इस समय के युवाओं से संबंधित योजना कौन कौन से देखिए, प्रधानमंत्री युवा कैरियर विकास योजना, अल्पसंख्यक अधिकारिता, राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना, सभी चीजें इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसको प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो, ये क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा मुझे लग रहा है। ये सॉरी इसको गलत है, उत्तराखंड के, महाराष्ट्र के, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपको बी, ये उत्तराखंड के
एम्बेसडर बन चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर। कौन? ऋषभ पंत जी आपको दिख रहे होंगे, बीच में बैठे हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत राज्य में खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, जिनको उनको एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है, उनको सहायता देंगे, किसी प्रकार की टेक्निक बताएंगे, कैसे किस प्रकार से खेल को किया जाता है, क्रिकेट से रिलेटेड। 27 वनडे, 31 टेस्ट और 54 T20 खेल चुके हैं कौन? ये ही श्री ऋषभ पंत। अन्य ब्रांड एम्बेसडर को भी जान लेते हैं कि रश्मिका मंदाना फैंटेसी स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और इमामी एग्रोटेक ने अपनी मसाला रेंज के लिए कैटरीना कैप को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में संबोधित किया। प्रतीक गांधी स्मार्ट गैजेट ब्रांड 5 एलिमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये प्रॉपर तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ, ज्यादा लंबी हो जाएगी क्लास मेरी, ठीक है। तो और बाकी की क्लास, बाकी के करंट अफेयर मैं प्रॉपर तरीके से अपने भाइयों को कल करा दूंगा, ठीक है। और सारे दिवसों को मैं आपको प्रॉपर जो लिख चुके हैं उनके बारे में प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि कौन सा दिवस कौन से देश का हुआ था या किस प्रकार से हुआ था, तो अपने भाई को बताऊंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से हम डेली करंट अफेयर करेंगे अपने भाई धुरंधरों के लिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।